आखिरकार शाजापुर में आस्था के केंद्र प्रसिद्ध मां राजराजेश्वरी के मंदिर में दीपमाला के निर्माण में तेजी आ ही गई। बुधवार को यहां संभाग के डिप्टी कमिश्नर ने पहुंचकर अधूरे पड़े निर्माण कार्य का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर के आने की सूचना लगते ही करीब 8 माह से गायब ठेकेदार भी अपने मजदूरों के साथ मंदिर पहुंच गए और अधिकारी के आने के पहले ही अधूरे पड़े निर्माण कार्य को संवारने में लग गए। गौरतलब है कि राजराजेश्वरी मंदिर में अधूरे पड़े दीपमाला के काम को खबरबाण न्यूज ने कब जगमगाएगी आस्था की ज्योत नामक शीर्षक से 6 सितंबर को प्रमुखता से दिखाया था। इस मामले में संभाग के डिप्टी कमिश्नर एस के भंडारी भी शहर पहुंचे और निर्माणाधीन दीपशिखा का जायजा लिया। इस बीच खास बात यह रही कि जो काम करीब 8 माह से ज्यादा से अधूरा पड़ा था, जो ठेकेदार अब तक नदारद था, उसने डिप्टी कमिश्नर के आने से ठीक पहले अपने मजदूर मंदिर में भेज दिए, जिन्होंने अधिकारी के आने से पहले ही ताबड़तोड़ काम भी शुरू कर दिया। इस मामले में जब खबरबान की टीम ने डिप्टी कमिश्नर से बात की तो उन्होंने बताया कि दीपशिखा का काम करीब 2 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि काम में देरी हुई। मैं ये प्रांगण जो दीप माला बनने वाली है, इसका मंजूर हुआ है। इसका 2017 में कार्य हुआ था, लेकिन अभी कार्य में गति नहीं आई। इस कार्य को देखने आया ताकि काम जल्दी स्टार्ट हो, इसका लाभ लोगों को। लेकिन ये है कि ये काम 2 महीने में ज्यादा 2 माह पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। आप हम देखेंगे दीपमाला का ये 1 महीने क्वेश्चन का हो जाएगा, 1 महीने में इसका 7,000। वहीं मंदिर परिसर में दीपमाला का निर्माण करने वाले ठेकेदार निर्भय सिंह चौहान बारिश और शारदीय नवरात्रि का बहाना बनाकर अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने का प्रयास करते रहे। हालांकि उन्होंने भी कहा कि ये काम 2 महीने में पूर्ण कर दिया जाएगा। कारण ये रहा कि फाउंडेशन तो हमने काफी टाइम पहले बना दिया था, बाकी बीच में बरसात आ गई थी और बरसात के कारण क्या आपके बरसात आपको भी पता ही है कि लगातार बारिश होती रही, इस कारण से काम नहीं चालू कर पाए। फिर नवरात्रि आ गई थी और नवरात्रि के बाद में यहाँ पे क्या जैसे कि मेला टाइप लगता ही है, आपको सबको पता ही है माता जी के प्रांगण में, तो थोड़ा सा अव्यवस्था रहती, इस कारण से अपन ने काम चालू नहीं करे थे और अब आज स्टार्ट कर दिया है। देखो 1 महीने में बना देंगे और 1 महीने के बाद में इसमें जो ऊपर से पत्थर लगना है वो भी थोड़ा कर देंगे। मान के चलो कि 2 से 2.5 महीने में काम कम्प्लीट कर। गौरतलब है कि यहां उज्जैन की हरसिद्धि माता मंदिर की तर्ज पर दीपमाला का निर्माण होना है, जिसकी आधारशिला क्षेत्र के पूर्व विधायक अरुण भीमावत के समय रखी गई थी, लेकिन बाद में प्रशासन की अनदेखी और ठेकेदार की लापरवाही के चलते काम अधर में लटक गया। लेकिन अब जब डिप्टी कमिश्नर ने इसका दौरा किया तो आस्था की ज्योत के लिए बनने वाली दीपमाला में उम्मीद की रोशनी दिखाई देने लगी। खबरबान न्यूज के लिए शाजापुर से आकाश शर्मा की रिपोर्ट।